तो गाइस माफ करना, 2 दिन से प्रॉपर न्यूज वीडियो नहीं आई थी, जिसकी वजह से मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है फीफा कम्युनिटी रिलेटेड, तो इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा न्यूज पे बढ़ता हूँ। इसके बदले में आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैं पहली न्यूज निकल के आ रही है लोकेश गेमर वर्सेस डायलैंड प्रोस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि लोकेश गेमर ने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पूरे 1 महीने तक डायलैंड प्रोस के साथ ग्लोबल टॉप के लिए रेस करेंगे। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चैलेंज किया था डायलैंड प्रोस को, और उसका रिप्लाई मिल गया है। उसने देखो यहाँ पे एक वीडियो बनाया जिसमें उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो गाइस यहां पे मजा आने वाला है नेक्स्ट मंथ से, जिसमें मैं डायलैंड प्रोस और हम लोग ग्लोबल टॉप 1 के लिए फाइट करेंगे दोनों भी। एंड लास्ट में आपको पता है इस बार वर्सेस मैं पीसी में करने वाला हूं। तो गाइस मैं आपको लोकेश गेमर के रिलेटेड एक न्यूज़ बता दूं कि लोकेश गेमर के नाम पे काफी सारे स्कैम किए जा रहे थे। दरअसल पर मामला यह है कि लोकेश गेमर के गिल्ड के कुछ ऑफिसर पैसे लेकर दूसरे प्लेयर्स को अपने गिल्ड में एंट्री कर रहे थे। तो जब ये बात लोकेश गेमर को पता चली तो लोकेश गेमर ने उन सभी ऑफिसर को हटा दिया। मैं कभी गिल्ड में आपको मैं फ्री में लूंगा, आओ अपना लेवल दिखाओ, अपना जो भी गेम है दिखाओ, अगर मुझे अच्छा लगता है मैं फ्री में ले लूंगा, अगर लेकिन पैसे क्या होगे तो किक हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा अगर आओगे तो कोई भी अगर बोले तो। इसलिए मैंने पूरों को किक कर दिया और मैं ही अभी किसी को भी लेने वाला हूं गिल्ड में। कोई ऑफिसर नहीं रखा है मैंने गिल्ड में, ना कोई और बंदा जो ऐड करे, सिर्फ मैं ही ऐड कर सकता हूं गिल्ड में, कोई और कहीं से भी नहीं ऐड कर सकता मेरे गिल्ड में। और बहुत सारे बंदे 15,000-10,000 दे दे रहे थे गिल्ड में आने का, वो सुन के बुरा लगा यार, क्योंकि फ्री है गिल्ड। गिल्ड में मैं आपको उल्टा देता हूँ, अगर आप बेस्ट प्लेयर हो, अच्छा केडी है, आप ग्लोबल में हो, आप कोई भी जगह टॉप में हो, जैसे यहाँ पे आप कोई भी जगह देखो, यहाँ पे टॉप 10 रैंक में है, यहाँ पे देख सकते हो सीएस में, हर जगह अगर कहीं भी आप टॉप में हो, सो उल्टा मैं ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस प्लीज कोई भी गिल्ड में बोले मेरे आने के लिए और पैसे मांगे तो प्लीज मत दो, मेरे से कांटेक्ट करो डिस्कॉर्ड पे आके या ट्विटर पे टैग करके, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, अपना हर जगह टैग करो, मैं चेक करता रहता हूँ हर जगह का। तो गाइस माइगली न्यूज निकल के आ रही है ग्रेजुएट गेमर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएट गेमर 3 दिन से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं डाले, जिसके कारण उन्होंने ये बताया। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि मैं 3 दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूं। तो देखो बात कुछ ऐसी है, अभी तो मैं घर से बाहर था और अपने को अभी जाना पड़ रहा है मुंबई और पुणे एक वीडियो शूट से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नहीं किस चीज की वीडियो है, वो आपको गेस करनी है, ठीक है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। एंड अभी मैं आपको अपना प्लेन दिखा देता हूँ गाइस। सो भाई लोग उस वाले प्लेन से हम जाने वाले हैं जो कि अभी थोड़ा सा खड़ा हुआ है चलेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो भाई लोग जस्ट अभी हम पहुंचे अपने होटल में एंड अपने को अपना रूम ढूंढना है अभी। तो गाइस ग्रेजुएट गेमर ने इस स्टोरी के कुछ देर बाद अपने चैनल पर ये फोटो पोस्ट करी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो किडनैप हो गई हैं, जिसके वजह से काफी सारे लोग ये सोचे थे कि वो सच में किडनैप हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सच में किडनैप नहीं हुए हैं, ये सिर्फ उनके वीडियो का पार्ट है, ये बस हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया है। ये आपने नोटिस करा ये मनी हाइस्ट वाले कपड़े थे #lowbudget। तो गाइस चैनल पे इनएक्टिव होने से याद आया कि Bash99 और XMoney भी अपने चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे हैं। खैर XMoney ने अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करी थी पर उन्हें प्राइवेट कर दी है, लेकिन Bash99 ने अपने चैनल पर 6 दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं करी है। तो जितना मुझे लगता है कि Bash99 अपने रिलेटिव से घर गए होंगे या फिर वैकेशन मनाने गए होंगे, क्योंकि इस समय होली है, तो हम बस यही आशा कर सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं Bash99 से पूछूं कि आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डालो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम इस वीडियो में 12 लाइक जरूर करवा देना। तो गाइस हमारी न्यूज निकल के आ रही है टू साइड गेमर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि टू साइड गेमर ने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है टू साइड फूडीज। तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप सब इंटरेस्टेड हो एक बार जाके जो चेकआउट कर लेना, आपको वीडियो होम पेज पे मिल जाएगा। तो गाइस हमारी अगली न्यूज निकल के आ रही है ऋषि गेमिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ऋषि गेमिंग ने अपने इंस्टा स्टोरी में कुछ पोस्ट किया जिसके अंदर उन्होंने कुछ काफी सीरियस एलिगेशन लगाए कुछ यूट्यूबर्स पर। उन्होंने 5 यूट्यूबर्स को टैग करके ये लिखा है कि कुछ यूट्यूबर्स मेरी वीडियो कॉपी कर रहे हैं, मैं पूरे दिन में स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि मैं क्या बनाना है वीडियो में, फिर उसके बाद वो आकर वीडियो कॉपी कर लेते हैं। के बाद उन्होंने 2 यूट्यूबर्स के काम को सेट कराया पर बाकी 3 यूट्यूबर्स को नहीं कराया। तो इसका मतलब समझ सकते हो, समझने वाले समझ चुके होंगे कि उन्होंने इनडायरेक्टली वे में बाकी 3 यूट्यूबर्स को टारगेट कराया। तो गाइस इसके आगे जो भी अपडेट निकल के आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हमारी न्यूज सिंगल के आज टोटल गेमिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अर्जुन भाई ने टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के हेडर्स को टारगेट किया, तो ये बताया कि क्यों टोटल गेमिंग स्पोर्ट 2 नंबर पर आई थी, आप देख सकते हो। देखो गाइस जैसा है ना कि उस टाइम पे भी मैं चीज जब टोटल गेमिंग स्पोर्ट का तुम लोग मेरे को वो कर रहे थे कि यार तुम लोग 12वें नंबर पे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया और कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार तुम लोग 12वें नंबर पे फिनिश किया कहां पे, मतलब भाई देखो पहली बात तो 12वें नंबर पे फिनिश किया वो देखो तुम्हारे लिए शॉकिंग है, हमारे लिए ये शॉकिंग नहीं था, बिकॉज इसके पीछे भी रीजन है। अब उस टाइम पे मैं तुम्हें रीजन बताता ना, तुम बोलते कि यार रज्जू भाई तुम एक सिंपति वगैरह तुम ये सब बोलते, इसलिए मैंने नहीं बोला। बट सीन ऐसा था कि उस टाइम पे कोजी भाई के जो पापा थे ना, जब टूर्नामेंट की फाइनल थी उसी दिन दोपहर में या तो दोपहर के बाद उसके पापा को हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में थे, और कोजी भाई थे वो बूट कैंप पे थे दिल्ली से, वो अपने घर पे गए लाइक उस टाइम पे घर पे नहीं, मतलब घर पे उस टाइम पे गए ही नहीं थे जबकि उनको घर पे जाना चाहिए। पूरी स्टोरी आपको कोजी भाई कभी बताएंगे, 1 मिनट रुको मैं खत्म कर देता हूँ ना। वो घर पे भी नहीं गए, उन लोगों की फाइनल थी, कोजी भाई ने फाइनल तब भी खेला, स्पोर्ट का फाइनल खेला। अब तुम सोचो आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया है, वो हॉस्पिटल में है, तुम गेम खेल पाओगे, तब भी उन्होंने फाइनल खेला 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पे फिनिश किया जबकि उनको चले जाना चाहिए था। उन्होंने मेरे को नहीं, मेरे तक मेरे को भी नहीं बताया, जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुई 15 मिनट भी बूट कैंप पे नहीं रुके,
डायरेक्ट वो घर पे गए और जो भी हॉस्पिटल का जो चीजें आती उसको खत्म किया एंड उसके बाद अभी जाके कल या परसों में बुट कैंप पे आए। तो चलो गाइस बस आज कुछ न्यूज़ अपडेट तुम्हारे चैनल में, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम क्लेसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं। मिलते हैं अपनी कल की न्यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।